आनंद मोहन की रिहाई के बाद बिहार में सियासी उबाल मचा है। हर राजनीतिक दल की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। इसी कड़ी में द प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी ने नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर अपनी खास टिप्पणी के लिए जानी जाने वाली पुष्पम प्रिया ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर इसे काला दिन बता दिया। पुष्पम ने ट्वीट कर लिखा कि बिहार के सरकारी सेवकों के लिए आज काला दिन है। अगर आप ड्यूटी करते हुए मार दिए गए तो आपके परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। चाहे आप अनुसेवक हों, लिपिक हों, शिक्षक हों, पुलिसकर्मी हों, न्यायाधीश और आईएएस आईपीएससी क्यों न हों। #बिहार। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आज का गुंडा राज। पुष्पम प्रिया ही नहीं, विपक्ष में बैठे बीजेपी और आईएएस एसोसिएशन ने भी बिहार जेल नियमों में बदलाव का विरोध किया, जिससे आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हुआ। बता दें कि जी कृष्णैया हत्याकांड मामले में दोषी आनंद मोहन को कानून में संशोधन कर छोड़ा गया है। इसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वहीं लगातार हमले के बीच बिहार सरकार का कहना है कि सरकार की नजर में आईएएस भाषा के अधिकारी या अन्य किसी भी आम आदमी में कोई अंतर नहीं है। जेल मैनुअल 2012 के तहत यह प्रावधान है कि कैदी ने जेल में कम से कम 14 साल बिताए हों, इस अवधि में उनका चाल चलन अच्छा हो तो ऐसे कैदी को 20 वर्ष परिहार अवधि हो जाने पर जेल से रिहा किया जा सकता है। सरकार के बचाव में मुख्य सचिव आमिर सुभानी सामने आए। चीज अगर बदली गई तो वो कोई आश्चर्य नहीं है और कोई गलत चीज नहीं है। चीजों को समय समय पर देख करके बदलना ये सरकार का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है और सरकार ने उसको किया है। मैं ये कहूँगा, जैसा मैंने बहुत विस्तार से बताया, ये एक सामान्य कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया से हुआ है और इसको राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि इसमें राजनीति का अंश नहीं डालना चाहिए। बहरहाल आनंद मोहन जेल से बाहर आ चुके हैं और एक बार फिर राजनीति में आने के उन्होंने संकेत भी दिए हैं। ऐसे में ये दिलचस्प है, आनंद मोहन आखिर किस दल को ज्वाइन करते हैं। ये खबर आपको कैसी लगी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर जरूर बताएं।